कोटा और बाकी राज्यों में फंसे स्टूडेंट्स को वापस लाने को लेकर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है। इसी कड़ी में राज्य के पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को मेल भेजकर स्टूडेंट्स को वापस बुलाने की मांग की है। अजीत कुमार ने कहा कि स्टूडेंट्स बाहर फंसे हैं, उनके परिवार में आज मातम की स्थिति है, सरकार को अपने पुराने निर्णय पर पूर्ण विचार करना चाहिए। कोटा में फंसे और फिर दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के बच्चे जो पढ़ने लिखने के लिए गए थे, उनके परिजन भी त्राहिमाम की स्थिति में। हम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपने पूर्व के निर्णय पर पुनर्विचार करिए। लोग काफी परेशान हैं, कोटा और अन्य प्रदेश में बिहार के पढ़ रहे बच्चे कैसे वापस आएंगे, इस पर निश्चित रूप से आपका विचार होना चाहिए और उन बच्चों को उनके परिवार तक लाने का जो व्यवस्था है उसके तहत WHO, हेल्थ डिपार्टमेंट और सुरक्षा का एहतियातन जो भी उपाय हो सकता है उसमें मैक्सिमम कड़ाई से पालन करते हुए बाहर फंसे बच्चों को उनके परिवार तक लाइए। लोग काफी परेशान हैं, माता पिता काफी परेशान हैं, उनके घर में मातम की स्थिति बनते जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज के लिए मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट।